हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज वेदर है बहुत अच्छा, ठंडा और स्नो वाला। सो ऐसे ही आज कुछ थोड़ा सा वॉक के लिए निकले तो मन करा कि चलो घर जाके आज कुछ अच्छा सा चटपटा सा कुछ बनाया जाए। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज वड़ा पाव बनाया जाए। So let's go home and I'll share with you a vada pav recipe. So सबसे पहले रेसिपी शुरू करने से पहले we'll make vada। और उसके लिए हम लोग एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे एंड नाउ हम लोग स्पाइसेस ऐड करेंगे। सो पहले हम लोगों ने इसमें डाला है थोड़ा सा सरसों एंड थोड़ा सा जीरा। अब इसको क्रैकल होने देंगे थोड़ा सा और फिर इसमें डालेंगे हींग। Now I added curry patta, ginger, and we'll saute them. अब इसमें डालेंगे onions, sliced onions, और फिर इसको अच्छे से saute करेंगे till it gets brown. Now let's add some spices. So we'll start with some salt, red pepper, turmeric, some coriander powder, और अब इसे हम लोग अच्छे से भूनेंगे एंड इसमें थोड़ा सा जब तक खुशबू आने लग जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटेटोज। सो मैंने इसमें अराउंड 4 बॉइल्ड पोटेटोज लिए बिग साइज एंड हमें इसको जस्ट हाथ से ऐसे ही क्रश करके डालना है। वी डोंट वांट कि वो पूरा अच्छे से यू नो मैश हो जाए। अब नाउ वी विल ऐड सम लेमन जूस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ी देर पकने देंगे। हम लोग का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इनकी छोटी बॉल्स बना लेंगे और इसको बेसन के बैटर में हम लोग रैप करके फ्राई करेंगे। सो इस बेसन के बैटर में मैंने पानी लिया है, बेसन लिया है, सॉल्ट लिया है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया है और उसको मिक्स करके एक गाढ़ा सा हम लोग घोल बना लेंगे और फिर इसको बॉल्स को इसमें डिप करके हम लोग इनको फ्राई कर लेंगे। हम लोग के जो वड़े हैं वो एक साइड से पक चुके हैं। सो अब इनको हम लोगों ने टर्न कर लिया है ताकि ऊपर की साइड से भी अच्छे से ये फ्राई हो जाए। जब ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। नाउ आवर वड़ास आर रेडी। Let's make some garlic chutney now. So हम लोग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर मैं ये कश्मीरी रेड जो मिर्ची होती है वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है बट इससे बहुत अच्छा रेड कलर आ जाता है। सो अब रेड चिली को अलग निकाल के मैं उसी पैन में आई एम एडिंग सम गार्लिक क्लोव्स। सो मैंने यहाँ पे यू नो 5 to 6 गार्लिक लिया है
और इसको हम लोग हल्का सा गोल्डन करेंगे। आफ्टर गार्लिक अब हम सॉटे करेंगे हैंडफुल ऑफ पीनट्स। सो मैंने पीनट्स विदाउट स्किन लिए हैं क्योंकि मेरे पास वही रखे थे, सो यू कैन यूज़ विद स्किन ऑल्सो तब भी चलेगा। और इसको अब हम लोग गोल्डन होने तक इसको हल्का सा भूनेंगे। अब पीनट्स के बाद हम लोग पैन में लेंगे सेसमी सीड्स। सो सेसमी सीड्स ये मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून लिया है और इसको भी अब हम लोग सॉटे कर लेंगे। ना हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है डेसिकेटेड कोकोनट। कोकोनट को भी हमें बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ही भूनना है। सो अब हम लोगों के सारे इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब हम इनको एक मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से पहले इसमें हम सॉल्ट और रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड कर रहे हैं। हम लोग का मिक्सचर अब ग्राइंड होके कुछ ऐसा लगेगा। हम लोग को बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं करना है इसको। सो हम लोग के वड़ा रेडी है, हम लोग का गार्लिक चटनी रेडी है। सो मैं स्टोर से ये पाव लाई थी, हम लोग यहाँ पे स्कॉटलैंड में इनको रोल्स बोलते हैं। मेरे पास ये चटनी पड़ी थी जो कि मिंट और कोरिएंडर चटनी है, इसको मैंने अपने पाव पे लगा लिया है और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा गार्लिक चटनी लगाएंगे एंड हम इसके ऊपर अब रखेंगे अपना क्रिस्पी क्रिस्पी वड़ा एंड इसको फिर से टॉप अप करेंगे थोड़ा सा और ग्रीन चटनी के साथ और साथ में थोड़े से और गार्लिक चटनी के साथ। आवर वड़ा पाव इज रेडी। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।